नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। क्या आपने कभी पुलिस पर सवाल उठाए हैं? क्या आपने कभी उनकी कार्यशैली को समझा है? अक्सर आप और हम पुलिसकर्मियों के व्यवहार और बोलचाल से बेहद परेशान रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्यवहार के पीछे का क्या कारण हो सकता है? कभी कभी जो दिखता है दरअसल वो वैसा नहीं होता। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सड़क पर हादसा हो गया तो पुलिस जिम्मेदार, घरेलू विवाद में कोई वारदात हो गई तो पुलिस जिम्मेदार, सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया तो भी पुलिस जिम्मेदार। हर बार निशाने पर रहती है वो पुलिस जिसके कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। हर बार पुलिस की गलती ही तलाश की जाती है, हर बार पुलिस पर कार्रवाई की मांग की जाती है। लेकिन सवाल हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार पुलिस की ही गलती निकाली जाती है? क्यों हर बार पुलिस को गुनहगार माना जाता है? खैर, ये सवाल उस पुलिस पर उठाया जाता है जो पुलिस जेठ की दोपहरी में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में तैनात रहती है। ये निशाना उस पुलिस पर साधा जाता है जो पोष की रात सड़कों पर अपनी जिम्मेदारी निभाती है। ये आरोप उस पुलिस पर लगते हैं जो त्योहारों के वक्त हमारी और आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है। जिस दिल्ली पुलिस पर कई बार आरोप लगे हैं, उस पर पुलिस की जिम्मेदारियों को जानेंगे तो आप भी संग रह जाएंगे। दिल्ली में कुल पुलिस स्वीकृत पदों की संख्या है 84,536। 1 जनवरी 2018 के मुताबिक 11,819 पुलिसकर्मियों की वैकेंसी, 1,00,000 लोगों की जिम्मेदारी 383 पुलिसकर्मियों पर होती है। इस हिसाब से 261 लोगों की जिम्मेदारी, जरा सोचिए, एक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी 261 लोगों की सुरक्षा और हिफाजत करना। जरा आंकड़े देखिए, ये आंकड़े तो दिल्ली पुलिस के हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तो सब अभी बाकी है। आंकड़े देखिए और फिर बताइए कि हर बार पुलिस पर सवाल उठाना क्या जायज है? नींद पूरी नहीं, छुट्टियों के दिन काम का प्रेशर, बच्चों की खुशी, परिवार का ख्याल, सब इन पुलिसकर्मियों को अच्छे से निभाना आता है। भूखे प्यासे जनता की जिम्मेदारियों के बीच उनका ख्याल रखना, कानून व्यवस्था को बखूबी बनाए रखना, पुलिसकर्मियों की मजबूरियों को समझना, पुलिसकर्मियों के दुखों को जानना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक काम बहुत आसान होता है, पुलिस पर सवाल उठाना, पुलिस पर सवाल उठाना। इस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा केवल मकसद इतना है कि जो लोग पुलिस पर सवाल उठाते हैं, शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या वो सही सोचते थे।